मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू मोल प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10 इन 151 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन जो कि 151 ग्राम्स गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन को। सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास ऑफ ब्यूटेन को फाइंड आउट करेंगे। ब्यूटेन जिसे C4H10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर कार्बन के 4 एटम्स जबकि हाइड्रोजन के 10 एटम्स मौजूद हैं। सो यहाँ पर कार्बन के 4 एटम्स के साथ हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 है प्लस 10 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 है। सो 48 प्लस 10 इक्वल है हमारे पास 58 ग्राम्स पर मोल के। सो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया मोलर मास ऑफ ब्यूटेन को जो कि है 58 ग्राम्स पर मोल। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को इजीली पुट कर सकते हैं ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन को फाइंड आउट कर सकें। मास ऑफ ब्यूटेन जो कि 151 ग्राम्स हमें गिवन है, सो इस फॉर्मूला में सबसे पहले हम मास ऑफ अ सब्सटेंस की जगह मास ऑफ ब्यूटेन को पुट कर लेंगे जो कि है हमारे पास 151 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ब्यूटेन जो कि हमने फाइंड किया वो है 58 ग्राम्स पर मोल। सो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 58 ग्राम्स पर मोल को। सिमिलर जो यूनिट्स हैं यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, ग्राम्स ग्राम्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरह से 151 डिवाइडेड बाय 58 और इस तरह से ये इक्वल हो जाता है 2.603 मोल्स के। यानी 151 ग्राम्स ऑफ ब्यूटेन कंटेन करता है 2.603 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 × 10⁻²³ हाइड्रोजन एटम्स। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि 8.9 × 10⁻²³ एटम्स ऑलरेडी गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को। सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो चलिए फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को पुट करेंगे जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है और वो है 8.9 × 10⁻²³ एटम्स। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स की जगह इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया 8.9 × 10⁻²³ एटम्स को डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। जैसा कि हम जानते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर इक्वल होते हैं 6.023 × 10⁻²³ के। सो यहाँ पर हम एवोगाड्रोस नंबर की जगह वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि है 6.023 × 10⁻²³ और इस तरह से 8.9 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 6.023 × 10⁻²³ इक्वल हो जाता है 1.47 मोल के। सो आपने देखा कि किस तरह से हमने इजीली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के जरिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर देयर इन 3.01 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 3.01 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हैं गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। सो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमें गिवन है वो है 3.01 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि है 3.01 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर जो कि इक्वल होता है 6.023 × 10⁻²³ पार्टिकल्स के। सो यहां पर हमने पुट कर दिया 6.023 × 10⁻²³। सो इस तरह से 3.01 × 10⁻²³ डिवाइडेड बाय 6.023 × 10⁻²³ इक्वल हो जाता है 0.49 मोल्स के। सो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में किस तरह से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन थे और इसके जरिए हमने इजिली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट कर लिया जो कि है 0.49 मोल्स। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।